राजधानी दिल्ली सहित देश भर में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल के बढ़ते दामों से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। खास तौर पर जो ट्रक एसोसिएशन या जो ट्रक चालक का काम करते हैं वो लोग को ज़्यादा ही परेशान है, क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब इन लोगों ने सरकार को जगाने का काम किया है, एक जन जागरण चलाने की बात कही जा रही है। क्या है जन जागरण, कितना असर पड़ेगा, क्या वाकई दाम कुछ कम होंगे, लोगों को राहत मिलेगी, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र कपूर जी हैं, आप मोटर ट्रांसपोर्ट एंड गुड्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी हैं। कपूर साहब, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पर। आपसे अक्सर बातचीत होती रहती है, आप कहते हैं कि लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उससे ना सिर्फ हमारी बल्कि देश की सेहत भी खराब हो रही है। सर, अब आप लोगों ने एक मीटिंग बुलाई थी, उद्देश्य क्या था और मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, जो तेल का मुद्दा है ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और हमारे लोगों के लिए तो ये रोजी रोटी का सवाल है, क्योंकि आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो भी हमारी ट्रक को चलाने के अंदर लागत आती है उसका 65-70% जो अनुभाग है वो तेल डीजल का ही होता है जी, डीजल एंड मोबिल ऑयल का होता है। तो अगर इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे ऊपर पूरी तरह से इसका असर पड़ता है और हमारे को रेट मजबूरन बढ़ाने पड़ जाते हैं, क्योंकि लागत जो है वो तो बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में जो ये रेट बढ़े हैं उसके अंदर एक नया तरीका सामने आया और उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। हम कहते हैं सरकार एक दाम एक बारी में बढ़ा दे जितने बढ़ाने हैं उसे, अगर उन्हें 20 रुपये बढ़ाने हैं, 50 रुपये बढ़ाने हैं या इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर उन्होंने देखना है तो 15 दिन में या 30 दिन में एक दिन दाम बढ़ाएं या घटाएं, हम इसके लिए अपील करते हैं सरकार से। दूसरा, हमारे को नुकसान क्या है कि अब जैसे एक गाड़ी यहाँ से हमने तमिलनाडु के लिए या केरल के लिए भरी, सपोज करिए दिल्ली, उसे पहुँचने में 6 या 7 दिन लगेंगे। 7 दिन में अगर आपने 8 रुपये या 5 रुपये या 4 रुपये रेट बढ़ा दिया रोजाना 80-90 पैसे करके, 30-40 पैसे करके, तो जो हमारी लागत है वो तो बढ़ गई, लेकिन हमें मिलना उतना पैसा है नहीं। हमने वहाँ जाके आज अगर हमने किसी का माल 1 लाख रुपए में यहाँ से केरला कोयम्बटूर का भाड़ा भरा 1 लाख, हमें तो वहाँ पर जाके 1 लाख रुपए मिलना 7 दिन के बाद, तो लेकिन हमारी जो कॉस्टिंग है क्योंकि 65-70% भाग उसका डीजल से निकलता है, तो हमारी कॉस्टिंग जिस हिसाब से रोजाना डीजल के पैसे बढ़ते गए उस हिसाब से हम मिला करके चलेंगे तो हमारी कॉस्टिंग जा करके हमने अगर 3 या 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये लाख रुपये में कमाना है तो हमारी कॉस्टिंग जाके 7 हज़ार रुपये बढ़ गई तो हमारे को तो घाटा हो गया, ऐसा कब तक चलेगा? हमारा ये मानना है, हम सरकार से यही अपील है कि 15 दिन में या 1 महीने में जब भी जो भी आपको उचित लगे उसी में दामों को बढ़ाया या घटाया जाए इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। ये जो रोज आना सुबह 6 बजे उठ के जो घंटी बज जाती है पेट्रोल दामों पे, उस हिसाब से हमारे रेट तो बढ़ नहीं पाते ताकि ट्रांसपोर्टरों को भी रेट तय करने में आसानी हो। एक आखिरी सवाल है, मीटिंग आप लोगों ने बुलाई थी, आपने बताया भी कि हम चाहते हैं कि सरकार ये चीज़ें तैयार कर दे, क्या कोई डेडलाइन आपने इसके लिए बनाई है? हम उन्हें पत्र दे रहे हैं, उनको पत्र दे करके उसके अंदर एक डेडलाइन भी देंगे और उस डेडलाइन उसके बारे में आपको सूचित कर देंगे। जिस समय पत्र तैयार हो जाएगा, पत्र उनको रिसीव होगा, उसके बारे में एक महीने भर की डेडलाइन भी देंगे। अगर उस महीने में, 1 महीने में अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो फिर हम एक मीटिंग करके, देशव्यापी मीटिंग करके और उसके ऊपर रणनीति को तैयार करेंगे और उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते दुनिया भर के देशों में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। हालांकि भारत में चुनावों के बाद जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उसको लेकर भी टाइमिंग पर एक सवाल उठाया जाता है, हालांकि लोग चाहते हैं कि पहले से ही महंगाई से त्रस्त है। ऐसे में अगर सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों पर कुछ अंकुश लगाती है तो आम लोगों को इससे फायदा ही पहुँचेगा। अपने सहयोगी अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।